नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। सीएम धामी ने टिहरी में जनसंवाद कार्यक्रम में सुनी ग्राम प्रधानों की समस्याएं, कही ये बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी दौरे पर रहे। यहां उन्होंने बौराड़ी स्थित नगर पालिका हॉल में आयोजित आपका सुझाव हमारा संकल्प जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने विभिन्न विकास खंडों के 18 ग्राम प्रधानों को मनरेगा, NRLM, स्वयं सहायता समूहों में कार्यों एवं ग्राम स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने पंचायत प्रतिनिधियों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने मंत्री हरक सिंह रावत को दिखाए काले झंडे, आबादी के बीच ट्रेंचिंग ग्राउंड का विरोध। कोटद्वार में ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को काले झंडे दिखाए। ग्रामीण आबादी के बीच कंचनपुरी में बनने जा रहे ट्रेंचिंग ग्राउंड का विरोध कर रहे हैं। मंत्री हरक सिंह रावत मालद नदी के तट पर स्थित 33 KV के विद्युत स्टेशन का उद्घाटन करने कोटद्वार पहुँचे थे। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा नया फीस एक्ट, स्कूलों में पढ़ाई जाएगी मातृभाषा। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सोमवार को हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने नगर निगम सभागार में नई शिक्षा नीति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विद्यालय नियामक प्राधिकरण के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में अब नई शिक्षा नीति के तहत कार्य करेंगे, जिसके तहत फीस एक्ट लागू होगा। निजी स्कूलों की फीस का निर्धारण जिलाधिकारी और निदेशक शिक्षा विभाग करेंगे। सीएम धामी ने मसूरी में किया पार्किंग और बहुउद्देशीय टाउन हॉल का लोकार्पण। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी पेट्रोल पंप के पास लगभग 32 करोड़ की लागत से 212 वाहनों के लिए बनी पार्किंग का लोकार्पण किया। साथ ही 18 करोड़ से बनने वाले बहुउद्देशीय टाउन हॉल की सौगात भी मसूरी वासियों को दी। इसके साथ ही शिफन कोर्ट से बेघर लोगों के लिए बनाई जाने वाली हंस कॉलोनी का भी मुख्यमंत्री धामी ने भूमि पूजन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मसूरी विधायक गणेश जोशी भी मौजूद रहे। जनवरी के पहले सप्ताह में घोषित होंगे यूटेट के परिणाम, तैयारियों में जुटा बोर्ड। उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में घोषित होगा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद इसकी तैयारियों में जुटा है। बता दें कि यूटेट की परीक्षा 26 नवंबर को आयोजित की गई थी। छात्रों को लैपटॉप न देकर सीधे पैसा देगी धामी सरकार, जानिए कारण। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने के वादे जल्द पूरे करने जा रही है। जल्दी शिक्षा विभाग 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को उनके खाते में DBT के माध्यम से 40,000 रूपए ट्रांसफर करेगा। इसके पीछे कई वजह मानी जा रही है। पहली तो ये है कि हाल में ही कांग्रेस ने लैपटॉप खरीद को लेकर सरकार पर आरोप लगाए थे और कुछ अधिकारियों को भी चिन्हित करने की बात कही थी। दूसरा, प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में लैपटॉप खरीद की प्रक्रिया को पूरा कर पाना सरकार के लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है। लिहाजा सरकार अब सीधे रकम ट्रांसफर कर चुनाव से पहले छात्रों को लाभ देने की कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार पहले ही 50 लाख की व्यवस्था कर चुकी है। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद ऋषिकेश में जारी है बहुमंजिला भवनों का निर्माण, MDDA पर मिलीभगत का आरोप। हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद ऋषिकेश की पशुलोक विस्थापित कॉलोनी में बहुमंजिला भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। याचिकाकर्ता ने MDDA पर निर्माणकर्ताओं के साथ साठगांठ करने का आरोप लगाया है। विश्व बैडमिंटन चैंपियन में लक्ष्य ने हासिल किया ब्रॉन्ज मेडल। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सिंह को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। लक्ष्य की सफलता से उनके गृह राज्य उत्तराखंड में खुशी की लहर है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कार्यालय में गबन के दोनों आरोपी कोर्ट से बरी। पूर्व सांसद व वर्तमान में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के ऑफिस में गबन के दोनों आरोपी कर्मचारियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। देहरादून ACJM 3rd निहारिका मित्तल की अदालत ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। उत्तराखंड पहुंचे तेजस्वी सूर्या, देहरादून में रोड शो, जगह जगह जोरदार स्वागत। बीजेपी के सबसे युवा सांसद और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंच चुके हैं। तेजस्वी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर देहरादून के लिए रोड शो निकाला। बीजेपी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या के रोड शो में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता शामिल हुए। बागेश्वर, युवक ने बेड से उतारा था मासूम को, मौत के घाट, कोर्ट से मिला आजीवन कारावास। अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने हत्यारोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25,000 रूपए का अर्थदंड भी लगा है। पुलिस के मुताबिक 25 जनवरी 2021 को तल्ला सूपी निवासी कैलाश राम ने गांव के राकेश कुमार की हत्या कर दी थी। PWD में नियमितीकरण की मांग तेज, संविदा वाले कनिष्ठ अभियंताओं ने निकाली आक्रोश रैली। उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग में नियमितीकरण की मांग तेज हो गई है। आज देहरादून में नियमितीकरण की मांग को लेकर लोनेवी के संविदा कनिष्ठ अभियंताओं ने आक्रोश रैली निकाली, साथ ही इंजीनियरों ने सचिवालय कूच किया। काला ढूंगी, जंगल में मिले शव की हुई शिनाख्त, 12 दिनों से लापता था बुजुर्ग। कोटाबाग निवासी दिनेश चंद्र सनवाल, जो कि 8 दिसंबर को अपने घर से टकालाढूंगी रिश्तेदारों में आए थे और वापस नहीं लौटे, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट टकालाढूंगी पुलिस में दर्ज करवाई गई थी।
कोटद्वार की जनता को 33 केवी विद्युत सब स्टेशन की सौगात मंत्री हरक सिंह रावत ने किया लोकार्पण। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में 33 केवी विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन किया। हरक सिंह रावत ने कहा कि अब इस सब स्टेशन में बिजली के बिल जमा हो सकेंगे। डोईवाला में ग्रामीणों का प्रदर्शन, रोड नहीं तो वोट नहीं का दिया नारा। डोईवाला के लिस्टाबाद में ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार सड़क की समस्या को संबंधित अधिकारियों के सामने रखा लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। इससे परेशान ग्रामीण धरना देने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है। टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, दी चेतावनी। टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन स्वामियों को लेकर उत्तराखंड परिवहन विभाग सख्त नजर आ रहा है। उन्होंने टैक्स न जमा करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में दरार, उठी मांग की हारे हुए उम्मीदवार को दोबारा न दे मौका। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी से संभावित दावेदारों की इन दिनों पार्टी द्वारा स्क्रीनिंग की जा रही है जिससे कि जीता उम्मीदवार को टिकट दिया जा सके, लेकिन टिकट बंटवारे से पहले कांग्रेस में सिर्फ फुटावल शुरू हो गई है। पौड़ी के अस्पतालों से गायब डॉक्टरों पर गिरेगी गाज, शासन के आदेश का इंतजार। पौड़ी जिले के जिन दूरस्थ अस्पतालों में इन दिनों डॉक्टरों की तैनाती थी उस जगहों पर ये डॉक्टर पिछले 5 साल से लेकर 16 वर्षों से नजारत है। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है। जिम्मेदारों ने फेरा मुंह तो ग्रामीणों ने खुद शुरू की नहर की सफाई। सिंचाई विभाग द्वारा नहर की सफाई नहीं कराने जाने पर ग्रामीणों ने खुद नहर की सफाई शुरू कर दी है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारी को अवगत करवाया लेकिन अधिकारियों द्वारा समस्या पर गौर नहीं किया गया। उत्तराखंड से बड़ी खबर, राज्य में बनेगा विद्यालय नियामक प्राधिकरण, जाने क्यों उठाया ये कदम। शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे ने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने इस दौरान बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में विद्यालय नियामक प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है जो स्कूलों से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेगा और प्राइवेट स्कूलों को रेगुलेट करेगा। उन्होंने कहा कि इससे पठन पाठन, ड्रेस, स्कूल सहित फीस और अध्यापकों के वेतन का समाधान होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राधिकरण शिक्षा महानिदेशक के निर्देशन में संचालित होगा, साथ ही कहा कि वह शिक्षा में हो रही धांधली पर निगरानी करेगा। आसमान से दुश्मनों के छक्के छुड़ाएंगे उत्तराखंड के सूरज, भारतीय वायुसेना में बने फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। उत्तराखंड के एक और बेटे ने देवभूमि का मान देश भर में बढ़ाया है। देवभूमि का एक और लाल अफसर बनकर देश की रक्षा करेगा। उत्तराखंड का एक और लाल आसमानी वर्दी पहनकर आसमान से दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। जी हां, देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत का बेटा भारतीय वायुसेना में अफसर बन गया है। परिवार में खुशी का माहौल है। चंपावत लोहाघाट निवासी सूरज सिंह मेहरा भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बन गए हैं। अब वो आसमान में उड़ान भरेंगे और लड़ाकू विमान को चलाएंगे। यहाँ भाजपा के पूर्व विधायक ने अपने समर्थकों के संग थामा सपा का हाथ। आपको बता दें कि राम इकबाल सिंह बलिया के चिल कहर विधानसभा सीट 2002 में विधायक बने थे। सपा की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी गई है। सिंह ने यहाँ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर सपा की सदस्यता ग्रहण की। बस में सफर करने जा रही युवतियां, ऐसे कंडक्टर से सावधान, यहां आधी रात को छेड़छाड़। बात देहरादून की है जहां रात में रोडवेज बस में सफर कर रही बैंक कर्मी युवती से कंडक्टर ने अकेला पाकर छेड़छाड़ की। युवती ने कंडक्टर को चेतावनी दी लेकिन वो नहीं माना। शोर मचाने पर अन्य यात्रियों ने कंडक्टर को फटकार लगाई। युवती ने महिला हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत की। वहीं इस मामले में रविवार को पीड़िता का नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने बुलाकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। इंस्पेक्टर नेहरू कॉलोनी सत्यर बिश ने बताया कि दून निवासी युवती चंपावत में बैंक में बतौर प्रशिक्षु अधिकारी तैनात है। देहरादून से वापस जाने के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करवाया था। बस हरिद्वार से चली तो कंडक्टर अपनी सीट के बजाय उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। रात करीब 1 बजे युवती की नींद खुली तो लगा कि शायद कंडक्टर उसके शरीर को छू रहा था। युवती का आरोप है कि इसके कुछ देर बाद वह फिर से पहले की तरह हरकत करने लगा। युवती अपनी सीट से खड़ी हुई और जोर से चिल्लाने लगी। इस दौरान अन्य यात्रियों ने विरोध किया तो आरोपी ठीक से बैठा और बाद में अपनी सीट पर चला गया। मामले में पीड़िता ने सुबह परिजनों को इस बारे में बताया और महिला हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की। इसके बाद नेहरू कॉलोनी थाना में कंडक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।